कैसे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड एंड वेलकम बैक टू द कोडर जेन सीरीज एंड दिस इज द एपिसोड 4 जहां पर आज हम लोग करने वाले हैं तुम्हारे चैप्टर स्ट्रिंग को, मतलब ये जो टॉपिक है ना स्ट्रिंग, यार ये आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स को जो ना सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। बट आज इस लेक्चर के अंदर जो है प्रियांशी मैम ने इस एक कॉन्सेप्ट को इतनी इजीली कराया, तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम्स है ना स्ट्रिंग से रिलेटेड वो सब की सब निपट जाएंगी। मैं इतनी तुमको गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे को इस वीडियो के बाद ना कोई डाउट रहेगा स्ट्रिंग में, ना कोई प्रॉब्लम्स रहेगी, ना ही तुम किसी प्रोग्राम में अटकोगे इस वीडियो के अंदर ही, क्योंकि हमने जो ना 10 से 12 PYQs को किया है, जो तुम्हारे कठिन से कठिन प्रोग्राम्स है उसको भी हमने जो ना इस एक सिंगल लेक्चर में करा है। सो यू गाइज कैन जस्ट फॉलो दिस लेक्चर, क्योंकि ये सबसे तगड़ा लेक्चर होने वाला है कोडर जेन सीरीज का, क्योंकि हम यहां पर सबसे क्रूशियल टॉपिक को उठा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं तुमको बता दूं यार, देखो कोडर जेन सीरीज इट्स अ वेरी गुड सीरीज, बट यहां पर हम लोगों ने तुम्हारे लिए नेशन वाइड सिर्फ तो सिर्फ 100 बच्चों के लिए वी लॉन्च्ड कोडर जेन प्रो। ये सिर्फ तो सिर्फ 100 बच्चों के लिए, क्योंकि यहां पर जो है मैं और प्रियांशी मैम दोनों जन मिलकर के तुम्हारे पूरे सिलेबस को आईसीएसई 9th एंड 10th के सिलेबस को एक स्ट्रक्चर में डन करा रहे होते हैं। सो दिस इज अ 45 डेज क्रैश कोर्स जिसमें अभी क्लासेस चल रही हैं, तुम इसके अंदर आ सकते हो। द बेस्ट थिंग इज दैट की इन क्लासेस के अंदर जो है तो माइक खोल करके डाउट पूछ सकते हो और तब तुम्हारे को प्रोग्रामिंग पूरे तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि अगर कोई भी डाउट आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आई वुड सजेस्ट यू टू बी देयर इन द कोड डिजाइन प्रो। इसके साथ साथ यहां हम तुमको जो ना नोट्स डीपीपीज एंड ओवर टू दैट, यहां पर जो ना दो बार हम तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट करा रहे होते हैं, क्योंकि एक बार प्रियांशी मैम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराती है एंड ओवर टू दैट तुम्हारे प्रणय भैया जो ना वहां पर जाकर के रिवाइज करा रहे होते हैं। और यहां पर उसके साथ साथ जो ना तुमको कोडिंग गीक्स का सपोर्ट मिलता है। सो दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने जो ना पिछले सालों में 100 on 100 स्कोर किया कंप्यूटर्स में, वो आके तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं, टेलीग्राम डाउट सपोर्ट भी दे रहे होते हैं। सो इस बैच के अंदर तुम सभी लोग जो ना आ सकते हो। द प्राइसिंग इज जस्ट 599 rupees, but if you use the coupon code lecture4 then you can enroll at just a pricing of 399 rupees। तो तुम यूज कर सकते हो lecture4 कूपन कोड को, द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उधर से तुम डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो, या फिर एक फॉर्म भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अगर तुम फिल कर दोगे देन आर काउंसलर्स विल रीच आउट टू यू एंड वो तुमको जो ना लेकर के फिर डिस्काउंटेड प्राइस पे इनरोल करा देंगे। सो दोनों ही प्रोसीजर्स काफी सिंपल है, आदर यू कैन जस्ट डायरेक्टली यूज द कूपन कोड और यू कैन जस्ट कनेक्ट विद आवर काउंसलर्स। बाकी अभी हम चलते हैं डायरेक्टली वीडियो की तरफ। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लेरिफाई नॉलेज। आई नो काफी ज्यादा लंबा गैप हो गया था, बट ठीक है, अब आपकी वीडियोस काफी जल्दी रेगुलरली आया करेगी। अभी हम स्ट्रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा जो मेन टारगेट है फॉर दिस वीडियो इज कि जो आपका स्ट्रिंग का प्रोग्राम आता है वो आपसे बन जाए, ठीक है, पूरा का पूरा अच्छे से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ए पार्ट में जो स्ट्रिंग आता है, वी विल सी दैट आपका एक लेक्चर आएगा जिसमें हम थ्योरी का पार्ट कवर कर लेंगे, ठीक है, और ए पार्ट उसमें कवर होगा। बट अभी हमारा मेन टारगेट है कि आप वो वाला प्रॉब्लम कर पाओ स्ट्रिंग में, एंड फॉर श्योर आफ्टर दिस वीडियो आपसे वो स्ट्रिंग का प्रॉब्लम बन जाएगा। ओके, इट्स अ अब स्ट्रिंग हैंडलिंग अपना वाइट। ओके, करेक्टर। अब करेक्टर क्या होता है, ठीक है, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी डिजिट, कोई भी सिंबल अगर तुम्हारा सिंगल कोट में है तो जावा में हम उसको करेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब करेक्टर, कॉन्स्टेंट, ये सब चीजें नॉर्मल डेफिनेशन है, यू विल गो थ्रू देम लेटर ऑन। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, सिक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, ठीक है, जैसे मेरा नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब चीजें क्या हो जाएगी, तुम्हारी स्ट्रिंग हो जाएगी। और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में आता है इन योर जावा, लाइक CKOP, दैट इज इन योर डबल कोट्स। तो हमेशा स्ट्रिंग तुम्हारा डबल कोट्स में ही आएगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल और आइडेंटिफाइड एट स्टोर्स अ स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज नोन एज स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या हो गया, अब इसके लिए अभी हम बहुत जल्दी से ये चीज गो थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता ही है बहुत सारे बच्चों को पहले से ही पता होगा। मेन टारगेट है हमारा प्रॉब्लम करना। जैसे कि मैंने बोला str स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हैं आगे, क्योंकि डेटा टाइप स्ट्रिंग है हमारा। वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया str, ठीक है, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया CKOP, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है, हमारा स्ट्रिंग CKOP कहाँ पे स्टोर हो रहा है, str के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मेमोरी में एक str नाम का वेरिएबल बनेगा
जिसके अंदर स्टोर होगा हमारा CKOP, ठीक है। CKOP हमारा क्या है, डेटा है, जो STR के अंदर स्टोर होगा। STR यहाँ पे क्या हो गया, हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल। अब ये तो मैंने क्या किया, अभी CKOP मैंने हार्ड कोडेड दे दिया, मैंने एक वैल्यू दे दी, ठीक है। अगर मुझे यूजर से वैल्यू लेनी होगी तो क्या करेंगे, तो उसमें सबसे पहली चीज सबको पता होगा कि अगर हमें यूजर से कुछ भी लेना होता है तो हम क्या बनाते हैं, हम उस केस में बनाते हैं अपना स्कैनर। तो सबसे पहले एक स्कैनर बनाएंगे। स्कैनर क्या है, स्कैनर एक क्लास है जिसमें हम आराम से इनपुट एंड आउटपुट यूजर से जब भी हमें इनपुट लेना होता है या फिर आउटपुट का जो भी होता है वो सब हम स्कैनर क्लास से कर सकते हैं, स्कैनर क्लास की हेल्प से, ठीक है। तो हमने एक स्कैनर बनाया। अब देखो वो एक क्लास है, वो डिफाइंड है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम स्कैनर को यूज करते हैं। अब क्या होता है, क्लास एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसमें अगर डिटेल में जाना है तो उसके लिए थ्योरी वाली वीडियो का वेट करना, बट एक नॉर्मल सी बात बता देती हूँ। क्लास एक स्ट्रक्चर होता है, अब उस क्लास को हमको हमारे एक ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अगर उस क्लास को हमको यूज करना है तो हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ये स्कैनर क्या है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हमें इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया SC नाम का। ऑब्जेक्ट जब भी बनाते हैं तो क्या, कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, मैंने पहले वाले लेक्चर्स में ये चीज बता रखी है कि हम उसके लिए यूज करते हैं न्यू का कीवर्ड। एंड देन अगेन स्कैनर System.in क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इनपुट लेना है सिस्टम से, System.in। ये हमारा स्कैनर बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यूजर से एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग, अगर मुझे स्ट्रिंग बाय चांस स्टोर करना है S में, ठीक है, इज इक्वल टू। अब मुझे किससे स्ट्रिंग लेना है, यूजर से। जब भी हम कोई चीज यूजर से लेते हैं तो हम किसके ऊपर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, यहाँ पे SC डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या बताना है, हमें कंप्यूटर को ये बताना है कि जो भी अब सिस्टम से आने वाला है वो एक लाइन आने वाली है, स्ट्रिंग आने वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, कि अब जो भी नेक्स्ट आएगा वो एक लाइन होगी, दैट्स इट, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग ऐसे लेते हैं यूजर से, स्कैनर SC=new स्कैनर, स्कैनर बना दिया हमने, और SC.next लाइन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि अभी जो नेक्स्ट आने वाला है वो एक लाइन है, ठीक है। अभी रीड लाइन, नेक्स्ट लाइन जो मैंने अभी डिफाइन कर दिया था इसके ऊपर, अच्छा ये बाद में करेंगे। अगर हमें करेक्टर लेना होता है, ठीक है, तो हम उसमें यूज करते हैं नेक्स्ट का। अभी नेक्स्ट क्या है, दिस इज यूज टू इनपुट अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस फ्रॉम द इनपुट यूजिंग स्कैनर क्लास। अब देखो करेक्टर में सिर्फ एक सिंगल चीज आती है, ठीक है। अभी मैंने ये बोला कि बाय चांस मेरा CH स्टोर कर रहा है एक करेक्टर, ठीक है, समझ लो CH स्टोर कर रहा है P, ठीक है। अब मुझे ये CH अगर मुझे यूजर से लेना है, अभी तो मैंने खुद से डाल दिया, अभी आई डिड दिस, कि अब मुझे एक करेक्टर लेना था तो वो कैसे लेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप क्या होगा उसका, कैर। करेक्टर का डेटा टाइप कैर होता है, CH इज इक्वल्स टू, एक सिंगल कोट में मैंने डाल दिया P, ठीक है। बट अब मुझे ना ये यूजर से लेना है, एक करेक्टर मुझे यूजर से लेना है, तो कैसे करेंगे, स्कैनर बनेगा नो डाउट, स्कैनर इन इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर System.in, स्कैनर बन गया। अब क्या करेंगे, हम यूजर से लेंगे। अब यूजर से लेने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल सी चीज करेंगे इसमें, कैर CH इज इक्वल्स टू, किसके ऊपर लेते हैं हम हमेशा यूजर से, ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इन IN डॉट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कब यूज होता है, जब हमें बिना किसी स्पेस के, अब देखो स्ट्रिंग में लाइन आता है पूरा, तो उसमें स्पेस वगैरह, वो पूरे स्ट्रिंग लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूज होता है करेक्टर लेने के लिए।
अब करेक्टर में से भी एक और चीज है यहाँ पे, जहां पे हम लिखते हैं डॉट कैर एट जीरो। अब एक कैर एट जीरो क्या होता है, अगर बाय चांस हमने ये बोला है सी एच लो यूजर से, ठीक है, अब भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लिया, नेक्स्ट बता रहा है कि वहां से एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा आएगा जिसमें कोई स्पेस नहीं होगी, ठीक है, हम बेसिकली नेक्स्ट को यूज करते हैं करेक्टर लेने के लिए, ठीक है। बाय चांस यूजर ने ये डाल दिया, लेट्स टेक प्रिया, यूजर ने डाल दिया पी आर आई वाई ए, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस नहीं, हमें प्रिया नहीं चाहिए क्योंकि हम कैर में सी एच में पूरा प्रिया स्टोर नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ स्टार्टिंग वाला इनिशियल चाहिए, दैट इज योर पी, ठीक है। अब एक कैरेट क्या करता है, कैरेट एक फंक्शन है, अभी हमारा स्ट्रिंग स्टोर कैसे होता है पहले मैं थोड़ा सा वो बता देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कैरेट पे जाते हैं, वो ज्यादा तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो Let's come here. देखो स्ट्रिंग स्टोर कैसे होता है, अगर मैंने प्रिया स्टोर किया है तो प्रिया कुछ ऐसे स्टोर होगा, Let's take the pen. एक प्लेस पर, ठीक है, एक बाइट पर पी स्टोर होगा, देन आर स्टोर होगा, देन आई होगा, देन वाई होगा, एंड देन ए होगा, ठीक है। जैसे एरे स्टोर होता है ना हमारा, हमारा स्ट्रिंग भी वैसे स्टोर होता है, ठीक है, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अब ये पी कौन सी प्लेस पर है ये बताओ मुझे, हम यहाँ पे इंडेक्स की बात करते हैं, इंडेक्स मतलब कि अगर मैं पी की बात करूं तो पी होगा हमारा जीरो इंडेक्स पर, आर होगा हमारा वन इंडेक्स पर, आई होगा हमारा टू इंडेक्स पर, Y होगा हमारा थ्री इंडेक्स पर, A होगा हमारा फोर्थ इंडेक्स पर, ठीक है। और ये मैंने स्टोर किया था, समझ लो अभी वो चीज छोड़ो, STR पे स्टोर किया था, नेक्स्ट वाली चीज अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख देते हैं, पहले ये चीज समझ लेते हैं फिर हम उस पर स्विच कर लेंगे, ठीक है। अभी ये मैंने स्टोर किया था STR में, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मुझे जो करेक्टर है, करेक्टर एट योर थर्ड इंडेक्स वाला चाहिए, मुझे थर्ड इंडेक्स वाला करेक्टर चाहिए, मतलब कि क्या चाहिए मुझे वाई चाहिए इस केस में, ठीक है। तो देखो कैसे मिलेगा मुझे, अगर ये किस में स्टोर है, एसटीआर में, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है डाटर्स, ये वाइट से हो गया, हाँ, इसके लिए एक फंक्शन होता है हमारा str, str में स्टोर है और वेरिएबल का नाम str है, डॉट कैर एट, कैर एट क्या बताता है कि इस इंडेक्स पर, हम यहाँ पे इंडेक्स देते हैं, इस इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर है ये वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा str डॉट कैर एट थ्री तो ये क्या रिटर्न करेगा, थर्ड इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर है, दैट इज योर दैट इज वाई, तो ये क्या रिटर्न करेगा, वाई रिटर्न करेगा, दैट्स इट। कैर एट का मतलब क्या होता है, उस इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर है ये वो रिटर्न करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे स्विच करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने ये बोला था नेक्स्ट इंट क्या करता है हमारा, विदाउट एनी स्पेस हमारा स्ट्रिंग लेने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैंने उसके आगे लगा दिया डॉट कैरेट जीरो, डॉट कैरेट जीरो क्या करेगा हमारा, अगर बाय चांस मैंने पूरा प्रिया डाल दिया है, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस मैंने एक पूरा नाम डाल दिया प्रिया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सी एच में तो मैं एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकती हूँ ना, स्टार्टिंग वाला, मुझे बस पी चाहिए, मुझे एक ही कैरेक्टर चाहिए, डैट टू आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग वाला ही ले लो, अगर वो पूरा कुछ डाल देता है या फिर दो करेक्टर डाल देता है, एक से ज्यादा करेक्टर डाल देता है, तो मुझे सिर्फ स्टार्टिंग वाला करेक्टर चाहिए, तो आई एम सेइंग कैर एट जीरो, कैर एट जीरो कौन सा होगा, देखो पी यहाँ पे स्टोर होगा हमारा जीरो इंडेक्स पर, तो ये बेसिकली अगर तुमने प्रिया भी डाला है तो सी एच में क्या स्टोर होगा, मेरा पी ही स्टोर होगा, दैट्स वाई हमने पहले
ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने नेक्स्ट लिया, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने एक फंक्शन लगा दिया कैर एड जीरो, ताकि मैं ये मेक श्योर कर सकूं कि जो करेक्टर स्टोर हो रहा है मेरा सी एच में, एक ही करेक्टर स्टोर हो रहा है, एक से ज्यादा करेक्टर स्टोर नहीं कर सकता कैर, इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाते हैं फंक्शंस के लेंथ, मतलब फंक्शंस वगैरह पर। पहला हमारा फंक्शन है लेंथ। लेंथ क्या करता है, अभी जैसे कि ये प्रिया है, ठीक है, इसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। अब अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करना चाहूं तो लेंथ कहां से स्टार्ट होगी, इसकी वन से। हमेशा याद रखना इंडेक्स की काउंटिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, और लेंथ की काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, वन से, ठीक है। तो यहां पे वन टू थ्री फोर और ये कौन सा हो जाएगा, फाइव, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, फाइव। अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए तो मैं उसके लिए ये लेंथ फंक्शन का यूज करूंगी। लेंथ फंक्शन क्या करता है, बेसिकली लेंथ फंक्शन रिटर्न करता है लेंथ ऑफ एन एरे या फिर लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। कैरेट, कैरेट अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और रिप्लेस, ये बाकी के हम ना जब यूज करेंगे तब हम इसको देख लेंगे। ये सबके सब यूज करते रहेंगे अभी प्रोग्राम में, एंड देन वी विल सी कि कैसे कैसे इन सबका यूज होता है, ठीक है। आ जाते हैं अब प्रोग्राम्स पे आ जाते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, ये राइट प्रोग्राम। ये सबसे इजी प्रोग्राम है, ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि मैं पास्ट ईयर के कम 8 क्वेश्चन तो करवा दूं। ये सब के सब पास्ट ईयर है तुम्हारे, जो तुम्हारे आए हुए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। देखो, अपर केस में कन्वर्ट करना है मतलब कि यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल दे रखा है, इसी में बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग लेना है, अब जैसे स्ट्रिंग यूजर ने डाल दिया रोबोटिक्स, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, अपर केस में। अपर केस मतलब क्या होता है, तुम्हें कन्वर्ट करना है कैपिटल में। तो देखो, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, सारा का सारा कैपिटल हो गया। तो तुम्हें क्या करना है, उसके बाद काउंट करना है एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स, कितने वॉवल्स है उसमें वो काउंट करना है। अब इसमें कितने वॉवल्स है, वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, 5 है, एक वॉवल मिल गया। काउंटिंग कितनी हो गई, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम जीरो से, अभी काउंटिंग कितनी हो जाएगी, वन, ओ, टू, टी नहीं है, आई है, थ्री, सी नहीं है, एस नहीं है, ठीक है। तो हमारे कितने नंबर ऑफ वॉवल्स हो गए, थ्री। तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लास बना देते हैं। क्लास का नाम लिख देती मैं प्रोग्राम नंबर 1, क्योंकि अभी पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ठीक है। अब यहां से अब चीजें स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से एक स्ट्रिंग लेंगे। स्ट्रिंग किसमें लेंगे हम, पहले सबसे पहले स्कैनर बनाएंगे, ठीक है। स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग स्कैनर क्लास बना दिया। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, कि स्ट्रिंग लेना है यूजर से। तो स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब str पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, अभी तक क्या हो चुका होगा, एक str नाम का वेरिएबल बना होगा,
जिसके अंदर तुम्हारा क्या स्टोर हो चुका होगा, कुछ भी ले लो। अभी यहाँ पे ये है, लेट्स टेक सम अदर थिंग लाइक एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एप्पल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, एसटीआर पे जो भी स्टोर है मुझे उसको कैपिटल में करके फिर दोबारा से एसटीआर में स्टोर करना है। उसके लिए कैपिटल करने के लिए अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए एक फंक्शन होता है, हम उसका यूज करेंगे। फंक्शन होता है हमारा str इज इक्वल्स, क्योंकि str में ही स्टोर करना है मुझे फिर दोबारा से कैपिटल करके। किसको कैपिटल करना है, str को कैपिटल करना है। उसका नाम फंक्शन लिखते हैं टू अपर केस। टू अपर केस क्या करेगा, str को उठाएगा, जिसको भी कैपिटल करना है str पहले लिख देंगे, फिर डॉट ऑपरेटर फिर लिख देंगे हम टू अपर केस। अब अपर केस क्या कर देगा, जो भी एसटीआर में है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि अभी मेरा एसटीआर में क्या स्टोर है, एप्पल है, और फिर दोबारा से किस में स्टोर कर देगा, ये एसटीआर में ही स्टोर कर देगा। तो देखो कैसे होगा, एप्पल की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल में एप्पल, सॉरी ए पी पी एल ई, ऐसा कुछ स्टोर हो जाएगा। आई नो अभी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, let's make it good. क्या होगा, str के अंदर मेरा कैपिटल में एप्पल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना, एप्पल और किसमें, str में। अब हम याद करेंगे मेरी वो वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, स्ट्रिंग ऐसे स्टोर नहीं होता कि एक सिंगल एसटीआर में एक सिंगल स्पेस में ऐसे स्टोर हो गया। नो, स्ट्रिंग स्टोर कैसे होता है, स्ट्रिंग स्टोर ऐसे होता है, यहाँ पे है, ठीक है, आपका फर्स्ट प्लेस पे होगा ए एरे की तरह, देन आएगा आपका पी, ठीक है, फिर आएगा आपका पी, फिर आएगा आपका एल एंड देन आपका ई। अगर मैं एक ही बात करूं और ये किससे पॉइंटेड होगा, str से, क्योंकि आपका वेरिएबल क्या है, str है, ठीक है। अब जो आपका a है, ठीक है, वो कौन से इंडेक्स पर है, उसका इंडेक्स है आपका जीरो, ठीक है। जो आपका p है वो कौन से इंडेक्स पर है, वन इंडेक्स पर। दूसरा वाला p कौन से इंडेक्स पर है, सेकेंड इंडेक्स पर। ये थर्ड पर है और ये फोर्थ पर है, ठीक है। तो आपको हर एक इंडेक्स पर जाना है, चेक करना है उस पे जो आपका डेटा स्टोर है क्या वो वॉवल है, अगर है तो आपको काउंटिंग इंक्रीज करनी है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, मेरी जीरो से। तो सबसे पहला जो मैं काम करूंगी ना अभी, वो मैं एक काम कर देती हूँ, इंट काउंट इज इक्वल्स टू जीरो। काउंटिंग में कहां से स्टार्ट कर देती हूँ, जीरो से स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं काउंटिंग में। अब हम क्या करेंगे, हम हर एक स्ट्रिंग पे जाएंगे। अब मुझे ये तो पता है, अब हम एक पे जाएंगे, फिर दूसरी पे जाएंगे, फिर तीसरी पे जाएंगे। जब हम कोई काम बार बार कर रहे होते हैं तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये चीज तो पता चल गई कि मेरा फॉर लूप स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से, क्योंकि जो पहली इंडेक्स है जो मुझे देखनी है वो मुझे जीरो इंडेक्स पे देखनी है। लेकिन एंड कहां पे होगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी यहाँ पे फोर है, क्या पता मैंने कुछ एलिफेंट ले लिया, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम निकालेंगे लेंथ, ठीक है। अगर मैं लेंथ की बात करूं, एप्पल की लेंथ कितनी है, फाइव है, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स कितना है मेरा, फोर है। एक चीज समझ में आई, लास्ट इंडेक्स हमेशा होता है मेरा लेंथ माइनस वन। क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि लेंथ मेरा स्टार्ट होता है वन से और इंडेक्स मेरा स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा ये प्रोग्राम ना नीचे लेके जा रही हूं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे लेंथ।
int len में स्टोर कर देते हैं इज इक्वल्स टू किसका लेंथ फाइंड करना है मुझे स्ट्रिंग का str डॉट लेंथ length क्या एक फंक्शन है ठीक है फाइंड करने के लिए किस क्या फाइंड करता है हम ये लेंथ को फाइंड करता है ठीक है तो हमने फाइंड कर दिया लेंथ किसका लेंथ फाइंड कर दिया मैंने str का str में क्या स्टोर है मेरा एप्पल एप्पल यहाँ पे मैंने इंट क्यों लिया है क्योंकि लेंथ कितनी है 5 है क्या है इंटीजर वैल्यू है किसमें स्टोर हो जाएगा मेरा 5 len में तो len में इस केस में मेरा कितना आ गया एक वेरिएबल बना len नाम का और इस केस में कितना आ गया मेरा 5 अब मुझे क्या करना है मुझे हर एक इंडेक्स पे जाना है कहां से स्टार्ट करना है 0 से और कहां तक जाना है लेंथ माइनस 1 तक उसका करेक्टर उठाना है अब करेक्टर कैसे उठाते हैं हमें पता है कैरेट यूज करके उस इंडेक्स का अगर मुझे इंडेक्स पता है कि मुझे 0 इंडेक्स पे जाना है फिर मुझे 0 इंडेक्स का करेक्टर उठाना है तो करेक्टर कैसे उठाते हैं कैरेट से ठीक है कैरेट 0 से करेक्टर आ जाएगा 0th इंडेक्स का कैरेट 1 से आ जाएगा करेक्टर 1 पहले इंडेक्स का ऐसे करके हम 4th इंडेक्स तक जाएंगे करेक्टर उठाएंगे चेक करेंगे क्या वो करेक्टर a के इक्वल है या फिर i के इक्वल है या फिर o के इक्वल है या फिर u के इक्वल है या फिर e के इक्वल है इनके इक्वल है तो हमारा काउंटिंग इंक्रीज होगा ठीक है तो चलो इसको करके देखते हैं अब आगे कैसे करेंगे आगे लगेगा मेरा फॉर लूप फॉर int i is equals to 0 i is less than len less than क्यों गया equal to क्यों नहीं किया क्योंकि हमको length को include नहीं करना 5 को include नहीं करना हमारा last index कहां तक होगा 4 तक होगा ठीक है i plus plus आप क्या करेंगे caret को use करेंगे अब मुझे i किसको point कर रहा है मेरा इस केस में देखो बेटा अगर मैं ऊपर जा रही भेज रही हूँ सबको और मैं यहां से थोड़ा सा एक एप्पल फिर दोबारा से बना दूंगी इसका यहाँ पे अगर मेरा ए स्टोर है यहाँ पे मेरा पी है यहाँ पे भी मेरा पी है यहाँ पे एल है और यहाँ पे ई है ठीक है अब मैं इंडेक्सेस को बना रही हूँ ग्रीन से ठीक है ये है जीरो इंडेक्स जिसको अभी मेरा देखो आई कितना है जीरो आई जो है ना मेरा इस केस में अभी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा ठीक है आई किसको पॉइंट कर रहा होगा अभी जीरो को मतलब इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है ठीक है अब मुझे उसके इंडेक्स का एक करेक्टर चाहिए उस इंडेक्स पर जिसको आई पॉइंट कर रहा है आई अभी जीरो को पॉइंट कर रहा है मुझे उसका करेक्टर चाहिए और मुझे करेक्टर को देखना है कि वो वॉवल है या फिर नहीं है तो अब इसको आगे जाके कैसे देखिए char ch is equals to str dot str क्यों लगा है क्योंकि कौन सी स्ट्रिंग को देखना है तुम्हें तुम्हें ये स्ट्रिंग किससे कौन से वेरिएबल में स्टोर है str में इसलिए मैंने सबसे पहले लगाया str ठीक है अब मैं लगाऊंगी char at char at char at क्या i क्योंकि अभी मेरा इंडेक्स को कौन पॉइंट कर रहा है अभी मेरा इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है i ठीक है इसीलिए मैंने लगाया कैरेट आई अब मैं क्या करूंगी अब सी एच में मेरा क्या आ चुका है जो कैरेट आई पर है कैरेट आई मतलब कैर एट जीरो पर तो अभी मेरा एक सी एच बना होगा ठीक है और उसके अंदर मेरा स्टोर हो गया होगा इसको कर लेते हैं पर्पल पेन से सी एच में कितना स्टोर हो जाएगा कैर एट आई मतलब कैरेट जीरो क्या है मेरा ए तो सी एच के अंदर मेरा क्या स्टोर हो गया मेरा ए स्टोर हो गया ठीक है इतना समझ में आ गया अब मुझे क्या चेक करना है मेरा ए तो स्टोर हो गया सी एच पे अब मुझे ये देखना है जो सी एच पे जो मेरा स्टोर है क्या वो मेरा वॉवल है तो कैसे चेक करेंगे इफ सी एच इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में लिखेंगे ए क्या मेरा सी एच ए के इक्वल है हाँ ए के इक्वल है तो क्या काउंटिंग इंक्रीज होगी हाँ काउंटिंग इंक्रीज हो जाएगी या फिर मेरा सी एच इज इक्वल टू हम कैपिटल ही लेंगे कैपिटल क्यों लेंगे क्योंकि मैंने एप्पल को अपर केस में कन्वर्ट कर लिया तो लोअर वाले स्मॉल ए स्मॉल ई का तो चांस है ही नहीं है ना तो सी एच इज इक्वल टू ई और
CH is equals to AEI or CH is equals to O or CH is equals to U. ये आ गया हमने पांचों हमने और से क्यों किया या तो CH मेरा A होना चाहिए या फिर E होना चाहिए या फिर I या फिर इन सब में से कुछ भी एक होना चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी अपने काउंट को इंक्रीज कर दूंगी ठीक है तो इस केस में अगर इन सब में से किसी के भी इक्वल है तो काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन ठीक है ये हो गया अब एक और चीज करते हैं यहां तक हो गया इसको एक बार देखते हैं कि कैसे कैसे ये चीज होगी अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आई की वैल्यू हो गई मेरी वन ठीक है अब सी एच में क्या आएगा एस टी आर डॉट कैर एट वन मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो कौन सा है पी है तो सी एच के अंदर क्या आ जाएगा मेरा पी हो जाएगा क्या पी मेरा इक्वल टू ए आई नहीं है ठीक है काउंट इंक्रीज होगा नहीं होगा फिर वो आगे बढ़ेगा अब आई कितना हो जाएगा टू हो जाएगा एस टी आर डॉट कैरेट टू मतलब पी पी फिर दोबारा से आएगा इसके इक्वल नहीं है फिर क्या हो जाएगा आई थ्री हो जाएगा ऐसे ये चलता है ठीक है अब हमको क्या करना है बाहर जाके क्या प्रिंट करना है मुझे काउंट प्रिंट करना है तो मैं क्या कर हम क्या कर देंगे एसओपी एल एन अच्छे से लिख देना द काउंट ऑफ द वेरिएबल ऐसे करके बट मैं अभी एसओपी एल एन क्योंकि मेरा अभी मेन वो है कि तुम्हें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ठीक है ये प्रोग्राम डन हो गया ये सबसे इजी प्रोग्राम है जो अभी लास्ट टाइम आया था सबसे इजी नहीं मतलब कि अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा होगा तो इस टाइप का प्रोग्राम आ सकता है वैसे मोस्टली ये वॉवल कॉन्सोनेंट इन सब के प्रोग्राम ज्यादा आते हैं ठीक है अब दूसरे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं ओके तो दूसरा प्रोग्राम है डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द नंबर ऑफ डिजिट्स अल्फाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग तो तुमने क्या किया तुमने एक स्ट्रिंग ली है ठीक है जैसे कपिल देव एट द रेट 83 तो इसमें कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स थे 8 नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स थे 1 एक तो 8 है और एक 3 2 नंबर ऑफ डिजिट्स है कितने स्पेशल कैरेक्टर्स थे एट द रेट तो कितने स्पेशल कैरेक्टर था सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर था ठीक है बहुत सिंपल है मैं अब स्कैनर से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ठीक है अब क्या करेंगे हम इसके बाद स्ट्रिंग को ले लेते हैं स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन स्ट्रिंग ले लिया अब क्या करेंगे आगे इसके बाद हम क्या करेंगे पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं सॉरी एलियन इज इक्वल्स टू एस टी आर का लेंथ फाइंड करना है डॉट लेंथ एल ई एन जी टी एच ठीक है अब देखो लेंथ क्या होगा एलियन में कितना स्टोर होगा अगर हमारा एस ये है या फिर एस टी आर मान लेते अगर ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टोर हो जाएगा मेरा लेंथ में विदाउट एनी डाउट अब मुझे क्या करना है मुझे जीरो से लेकर लेंथ माइनस वन तक ये चलाना लेंथ माइनस वन तक चलाना है फिर लेस देन एलियन लिख दो बात एक ही रहेगी तो मैं क्या करूंगी फॉर लूप स्टार्ट करेंगे हम फॉर एंड आई इज इक्वल टू जीरो आई क्या जाएगा लेस देन एलियन अब क्या हो जाएगा I प्लस प्लस यहां तक चीजें सब बहुत क्लियर है अब मुझे क्या क्या काउंट करना है मुझे काउंट करना है अल्फाबेट अल्फाबेट काउंट करने के लिए जब भी काउंटिंग करते काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जीरो से स्टार्ट होती है तो जब भी काउंटिंग करते हैं तो एक जगह लिख देंगे एंड अल्फाबेट के लिए लिख देते काउंट ए इज इक्वल्स टू जीरो अब मुझे क्या करना है डिजिट्स भी काउंट करनी है तो एंड काउंट डी इज इक्वल्स टू जीरो और क्या काउंट करना है स्पेशल कैरेक्टर तो एंड काउंट एस इज इक्वल्स टू जीरो ठीक है
अब हम क्या करेंगे, लूप चल रहा है जीरो से लेकर लेस देन एलियन तक। आई किसको पॉइंट करेगा, आई पॉइंट करेगा इंडेक्स को। अब आई जिसको पॉइंट कर रहा है, मुझे उस प्लेस का करेक्टर चाहिए। आई अगर जीरो को पॉइंट कर रहा है तो उस जीरो प्लेस पे कौन सा करेक्टर है, मुझे वो करेक्टर चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, कैर सी एच इज इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैर एट आई, क्योंकि आई अभी देखो किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले केस में आई पॉइंट कर रहा है के को, कपिल देव एट द रेट 83 के को पॉइंट कर रहा है आई। अभी आई कौन से वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा था, मेरा जीरोथ इंडेक्स को, तो सी एच पे मेरा क्या स्टोर हो जाएगा, के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है क्या मेरा के अल्फाबेट है। अब अल्फाबेट कब होगा, या तो वो कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल ए से स्टार्ट होना चाहिए, या तो कैपिटल ए होना चाहिए या फिर कैपिटल ए से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, या तो कैपिटल ए होना चाहिए या फिर कैपिटल ए से ज्यादा होना चाहिए। कहां तक हो सकता है, जेड तक या फिर जेड से छोटा। ठीक है, अल्फाबेट होने का ये कंडीशन होगा। और स्मॉल के लिए क्या होगा, या तो ये होना चाहिए या फिर और किसकी कंडीशन में लाई कर सकता है, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक होना चाहिए। अगर वो इस वाले केस में लाई करता है तो वो क्या है, अल्फाबेट है ना। तो अल्फाबेट में कैसे देखेंगे, अब सी एच पे क्या स्टोर है मेरा, के अल्फाबेट है। क्यों, क्योंकि वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में आता है। ठीक है, तो हम कैसे करें, इफ सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड सी एच इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या, जेड। पहली कंडीशन तो ये हो गई, फिर हम क्या लगाएंगे, दूसरी कंडीशन को हम जोड़ेंगे और से, यहां पे और होगा ना, और बाहर एक ब्रैकेट और। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हम क्या लिखेंगे, इफ सी एच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू स्मॉल ए एंड सी एच इज लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल जेड। अगर ये कंडीशन है तो उस केस में हमारा अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट होगा तो मैं क्या कर दूंगी, काउंट ए को प्लस प्लस कर देंगे। प्लस प्लस मतलब एक कदम बढ़ा देंगे, या तो प्लस प्लस कर दो या फिर काउंट ए इज इक्वल टू काउंट ए प्लस वन कर दो, दोनों एक ही चीज है। else if, अब क्या होगा, अब हमें डिजिट देखना है। देखो अब डिजिट के लिए क्या करेंगे, डिजिट कब हो सकता है, या तो वो वन हो, वन के इक्वल हो, या फिर वन से ज्यादा हो, या फिर नाइन। देखो डिजिट, एक सिंगल डिजिट की बात कर रही हूँ। अगर मेरा आई बाय चांस, मैं इसको ग्रीन से पॉइंट कर रही हूँ, इसको पॉइंट कर रहा है इस वाले प्लेस को, ये कौन सा वाला इंडेक्स होगा हमारा, ये इंडेक्स होगा आई गेस नाइन वाला। ठीक है, अगर आई मेरा नाइन है तो उस करेक्टर में, उस वक्त सी एच में क्या स्टोर होगा, मेरा एट स्टोर होगा। के की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो एक सिंगल डिजिट के लिए अगर बात करते तो किसके बीच में होती है, जीरो से लेकर, सॉरी मैंने वन बोला था, एक्सट्रीमली सॉरी, जीरो से लेकर नाइन तक अगर वो है तो क्या है, डिजिट है। अगर वो जीरो है, जीरो के इक्वल है, या फिर जीरो से बड़ा है जैसे वन टू थ्री फोर, या फिर नाइन है, फिर नाइन से छोटा है जैसे एट सेवन सिक्स, ये सब चीजें, तो वो डिजिट है। ठीक है, तो एल्स इफ, अभी क्या हो रहा है, अगर डिजिट को भी मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूं, अभी सिंगल कोट के अंदर, अभी मेरा एट यहाँ पे कोई डिजिट का काम नहीं कर रहा है, अभी वो एज अ करेक्टर है ना, सिंगल कोट के अंदर होगा एट। तो अब सी एच को क्या करेंगे हम, इफ एल्स इफ सी एच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए, सॉरी जीरो, या तो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो, एंड सी एच इज लेस देन एंड इक्वल टू कितना, नाइन, उस केस में हम क्या प्लस करेंगे, उस केस में हम प्लस करेंगे काउंट डी इज इक्वल टू काउंट डी प्लस वन। ठीक है, और क्या होता है, एल्स में आ जाएगा, अगर वो अल्फाबेट नहीं है, अगर वो डिजिट नहीं है तो क्या होगा, स्पेशल करेक्टर ही होगा, कुछ स्पेशल सिंबल ही होगा। तो एल्स में हम क्या प्लस कर देंगे, काउंट एस को, एल्स
ठीक है, और एल्स में प्लस हो जाएगा काउंट एस इज इक्वल्स टू काउंट एस प्लस वन। ये चीज अभी मुझे ऐसा लगता है सबको क्लियर हो जाएगी। अब फॉर से बाहर निकल के हम कर देंगे SOPLN, किस किस को प्रिंट कर देंगे, काउंट ए को, ये क्या होगा हमारा प्लस काउंट ए इज नंबर ऑफ अल्फाबेट। ऐसे ही हम कर देंगे किसके लिए, डिजिट के लिए। तो नीचे जाएंगे SOPLN काउंट डी प्लस, ठीक है, इज नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है, SOPLN काउंट एस प्लस इज नंबर ऑफ क्या स्पेशल करेक्टर, ये होगा तुम्हारा बेसिक वाला केस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक ही वाला प्रोग्राम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन अ क्लास दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट द कैरेक्टर्स विद द अपर एंड लोअर केस रिवर्स्ड बट ऑल द कैरेक्टर्स शुड रिमेन सेम एज बिफोर। तो बेसिकली क्या करना है, अगर तुम्हारा इनपुट ये है वेलकम डब्ल्यू कैपिटल है, उसको स्मॉल कर देना है, ई स्मॉल है तो उसको कैपिटल कर देना है, बस रिवर्स करना है, और जो बाकी का जैसे स्पेशल केस है डिजिट है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इस टाइप के प्रोग्राम्स को हम कैसे करेंगे, स्कैनर से सबसे पहले स्ट्रिंग बना लो, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बन गया, इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं लेंथ फाइंड करते हैं। तो इंट एलियन इज इक्वल्स टू एस टी आर डॉट लेंथ, लेंथ फाइंड कर दिया, अब हम क्या करेंगे जीरो से लेकर लेंथ तक चलेंगे, लेस देन लेंथ तक। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एलियन आई प्लस प्लस। चलिए अब हम हर एक का करेक्टर निकालेंगे, हर एक जिसको आई सबसे पहले किसको पॉइंट करा होगा, डब्ल्यू को, कैपिटल वाले डब्ल्यू को। देखो I क्या है, इंडेक्स है, ये चीज अब तक समझ में आ गई। W कहाँ पे होगा मेरा, जीरो पर, I अभी क्या है जीरो है, तो कैर एट I मतलब कैर एट जीरो क्या होगा मेरा, कैपिटल वाला W होगा। तो इस केस में हम कैसे चलेंगे, कैर सी एच इज इक्वल्स टू एस टी आर पे जाओ डॉट कैर एट I निकालो, कैर एट I मतलब अभी I कितना है जीरो है, ठीक है। If CH, अब CH में कितना स्टोर हो चुका होगा, देखो इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं और फिर थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाते हैं। ये है, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है W है कैपिटल वाला, यहाँ पे क्या है स्मॉल है, यहाँ पे L है, आगे का बाद में देखेंगे। अभी I मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, जीरो को, ठीक है। तो अब मेरा CH में क्या आ गया, CH is equals to STR पे गए, कैर एट I मतलब कैर एट जीरो, कैर एट जीरो क्या है मेरा W है, तो CH के अंदर क्या स्टोर हो गया मेरा W, CH के अंदर आ गया मेरा कैपिटल W। अब मुझे क्या कर, अगर वो कैपिटल है तो मुझे उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। अब कैपिटल मतलब कि अगर मेरा सी एच कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड के बीच में है तो हम वो कैसे लिखते हैं, इफ सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड
CH is less than and equal to Z, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें CH को स्मॉल करना है और जो हमें नया वर्ड बनाना है उसमें ऐड कर देना है। तो देखो अभी नया वर्ड बनाना है ना, हमें एक नया स्ट्रिंग बनाना है ना, सॉरी, तो स्ट्रिंग के लिए कैसे करेंगे, स्ट्रिंग वर्ड इज इक्वल टू, अभी मैंने खाली रखा हुआ है, ठीक है, एक वर्ड मैंने अभी खाली रखा हुआ है, इस वर्ड में इसको अगर मैं अच्छे से बताऊं तो यहाँ पे ये वर्ड है, अभी इस वर्ड में कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज योर वर्ड, इसको हम डिनोट कर देते हैं रेड पेन से, वर्ड, अभी इस वर्ड के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, अभी मेरा क्या है, कैपिटल W है, कैपिटल W को स्मॉल W के अंदर कन्वर्ट करने के बाद मुझे इसको स्टोर करना है वर्ड में, वर्ड मेरा ये आउटपुट वाली स्ट्रिंग स्टोर करेगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, अगर CH मेरा ये है तो पहले CH को क्या कर दो, स्मॉल कर दो, कैपिटल है तो स्मॉल कर दो, तो क्या करेंगे, CH इज इक्वल्स टू CH डॉट टू लोअर केस, ये क्या करेगा, उसको स्मॉल कर देगा, डॉट टू CH को स्मॉल कर देगा, फिर दोबारा इससे मतलब CH में अब कितना आ जाएगा, CH पे CH को स्मॉल कर देगा, और किसके अंदर स्टोर कर देगा, CH के अंदर ही, तो CH में अब क्या आ जाएगा, मेरा स्मॉल वाला W। अब ये मुझे किस में ऐड करना है, मुझे अपने रिजल्ट वाले स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना है, मतलब मुझे किसके अंदर ऐड करना है, वर्ड के अंदर, वर्ड पहले खाली है और खाली के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, स्मॉल वाला W, तो कैसे हो जाएगा, वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड प्लस CH, तो पहले वर्ड कितना था, पहले था मेरा वर्ड खाली, ठीक है, पहले वर्ड में कुछ नहीं था, अब वर्ड में कितना ऐड हो गया, मेरा CH ऐड हो गया, मतलब CH क्या है, मेरा स्मॉल W, तो वर्ड के अंदर क्या आ गया, मेरा स्मॉल W, ठीक है। दूसरी चीज मुझे क्या देखनी है, क्या पता, अब आगे बढ़ते हैं, क्या पता मेरा वर्ड कैपिटल हो, सॉरी कैपिटल का हमने देख लिया, क्या पता मेरा वर्ड स्मॉल हो, देखो अभी रुको, अभी आई किसको पॉइंट कर रहा था, जीरो को, अब आई बढ़ जाएगा, अगर आई अब किसको पॉइंट करेगा, वन को, ठीक है, आई किसको पॉइंट कर रहा है, वन को, अब कैरेट आई क्या है, मेरा स्मॉल वाला ई, अगर वो स्मॉल वाला ई है तो मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको, कैपिटल वाले ई में, तो एल, एल्स में जाएंगे, एल्स इफ सी एच अगर मेरा स्मॉल वाले ए से लेकर स्मॉल जेड तक है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, कैपिटल में, तो इफ सी एच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल वाला ए ले लेंगे, एंड सी एच इज लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉल वाला जेड ले लेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, सी एच को कन्वर्ट कर देंगे अपर केस में, तो सी एच इज इक्वल टू सी एच डॉट टू अपर केस, ठीक है, सी एच किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपर केस में मतलब सी एच के अंदर अब कितना स्टोर था, देखो आई था, वन था, तो सी एच के अंदर कितना स्टोर था, मेरा स्मॉल वाला ई, अब हमने क्या कर दिया, सी एच को कन्वर्ट कर दिया अपर केस में, मतलब वो स्मॉल वाला ई किस में कन्वर्ट हो गया होगा, मेरा अपर केस में, ठीक है, ई में कन्वर्ट हो गया होगा। अब मुझे क्या करना है, इस ई को किस में ऐड करना है, हमें रिजल्टेंट वाले वर्ड में, वर्ड में पहले से ही क्या है, डब्ल्यू, और वर्ड में क्या ऐड कर दो, कैपिटल ई भी ऐड कर दो, ठीक है। अब मुझे बार बार यहाँ पे वर्ड प्लस सी एच यहाँ पे भी ऐड करूंगी, यहाँ पे भी ऐड करूंगी, इससे अच्छा सी एच को कन्वर्ट कर दो, ठीक है, देखो इससे अच्छा क्या कर सकते हो, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, और बाहर जाके क्या कर दो, वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस सी एच। अब देखो क्या हुआ होगा, जैसे वेलकम है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले आई किसको पॉइंट कर रहा होगा, कैपिटल डब्ल्यू को, कैपिटल डब्ल्यू मतलब कि सी एच कितने कहाँ पे जाएगा, इस वाले रेंज में जाएगा, सी एच क्या हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कितना कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल वाला डब्ल्यू, एल्स में तो नहीं चलेगा, तो वर्ड के अंदर कितना चला जाएगा, वर्ड प्लस सी एच, वर्ड पहले क्या था, खाली था, अब कितना ऐड हो गया वर्ड में, सी एच मतलब स्मॉल डब्ल्यू ऐड हो गया, फिर किसको पॉइंट करेगा, आई मेरा स्मॉल ई को, तो कैरेट आई सी एच में कितना आ जाएगा, मेरा स्मॉल ई,
अब स्मॉल ई मेरा जाएगा इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो मेरा अपर केस में, तो स्मॉल ई कितना हो गया, कैपिटल ई हो गया। फिर हम बाहर आए, हमने क्या कर दिया, वर्ड में पहले से क्या था मेरा डब्ल्यू था, इसके अंदर वर्ड में पहले से डब्ल्यू है, डब्ल्यू प्लस सी एच अब मेरा कितना है कैपिटल ई, तो मैंने कैपिटल ई को ऐड कर दिया। ये चीज समझ में आई। फिर ऐसे ही चल के एल होगा, एल इस वाले रेंज में लाई करेगा तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे, कैपिटल एल हो जाएगा। फिर बाहर आएंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ड प्लस सी एच, तो कैपिटल एल। अब जैसे अगर बाई चांस मान लो मेरा आई पॉइंट कर रहा है टू को, क्या आई इस वाले केस में जाएगा, वो टू को पॉइंट करा, देखो यहाँ पे ये वाला टू को, नहीं टू ना तो कैपिटल ए कैपिटल जेड के उसमें नहीं है रेंज में, स्मॉल ए स्मॉल जेड के रेंज में भी नहीं है, तो टू क्या होगा, टू डायरेक्ट वर्ड में मेरा ऐसा का ऐसे ही, सी एच में भी टू स्टोर है ना, इस केस में सी एच में टू स्टोर होगा, तो सी एच ऐसा का ऐसा ही एड ऑन हो जाएगा, मतलब वेलकम में टू ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, जीरो भी ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, टू भी, ये चीजें ऐसे चलती है, ठीक है। और फिर क्या कर देंगे, हम वर्ड को प्रिंट कर देंगे बाहर जाके, SOPLN हमारा नया वाला वर्ड किसमें स्टोर है, वर्ड में, तो वर्ड आ गया, ठीक है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, चल दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Write a program to input a sentence and convert it into uppercase and count and display the total number of words starting with letter A. चलो जैसे कि यहाँ पे ये किससे स्टार्ट हो रहा है, A से, एक काउंट हो गया। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, A से, दो हो गया। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, A से, तीन हो गया। क्या ये A से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला वर्ड O से स्टार्ट, क्या ये वाला वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, नहीं नहीं, ये वाला वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, हाँ। कितने वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे, चार वर्ड ए से स्टार्ट हो रहे। अब देखो वर्ड कब होगा, एक चीज करते हैं, पहले स्ट्रिंग ले लेते हैं और उसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, यहां तक का काम करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक स्कैनर बनाया, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, यहां तक किया। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग ले लेंगे यूजर से, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, स्ट्रिंग ले लिया मैंने यूजर से, यहां तक की चीजें मेरी क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे str को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, मतलब अपर केस में कन्वर्ट करना है। str इज इक्वल्स टू str डॉट टू अपर केस, अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, लास्ट काम जो मुझे अब करना है ना, देखो अब मुझे जैसे कि ये है, ये एक नया वर्ड है ना, उस वर्ड का जो स्टार्टिंग है ना, मुझे वो चेक करना है क्या वो ए है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, नया वर्ड कब आएगा, जैसे ही स्पेस आया उसके बाद जो अगला लेटर है या फिर अगला जो अल्फाबेट है वो हमें चेक करना है। ये चीज समझ में आई, देखो इसके बाद एंड के बाद स्पेस आया तो हमें अगला लेटर चेक करना है। अब देखो यहाँ पे स्पेस आया तो मुझे क्या चेक करना है, ओ मेरा ए है या फिर नहीं, देखो हमें वर्ड का स्टार्टिंग चेक करना है। अब नया वर्ड कब आता है, उससे पहले एक स्पेस आता है। अब जैसे प्रियांशी है, त्यागी है, त्यागी क्या एक नया वर्ड है, तो प्रियांशी के बाद एक क्या आएगा, स्पेस आएगा, तभी तो नया वर्ड स्टार्ट होगा। तो मुझे चेक करना है स्पेस के बाद वाला, स्पेस के बाद वाला क्या होना चाहिए, तुम्हारा ए होना चाहिए। देखो अगर ये वाला वर्ड है MI, लेट्स टेक एप्पल, ऐसी कुछ भी ले लेते हैं, MI एप्पल, ठीक है। अब देखो हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस के बाद वाला, अगर स्पेस के बाद वाला तुम्हारा क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्या ये ए है, नहीं काउंट करेंगे, नहीं। फिर यहाँ पे स्पेस आ रहा है, अभी ग्रीन से कर देती हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस आ रहा है
इसके बाद वाला ए होना चाहिए, क्या ये ए है? हाँ है, तो हमारी काउंटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन हमको पहला वाला वर्ड कैसे चेक करेंगे? पहला वाला वर्ड है हमारा ए एम, एम को कैसे चेक करेंगे? इससे पहले हम एक स्पेस डाल दें क्या? ऐसे ही डाल देते। सुनो, अब ये वाला ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, पहले एक स्पेस आएगी, उसके बाद ए एम, ठीक है? क्योंकि हमें क्या चेक करना है, स्पेस के बाद वाला ए होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से चेक कर रहे हैं तो ए तो एकदम स्टार्टिंग में आ रहा है, उससे पहले तो कोई स्पेस नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया, उससे पहले एक स्पेस को ऐड कर दिया, एक स्पेस ऐड किया, फिर ए एम, फिर क्या हुआ, एक स्पेस आया, फिर आई, ठीक है? हमने स्पेस क्यों ऐड किया है स्ट्रिंग से पहले? ताकि हम फर्स्ट वर्ड को चेक कर सके कि वो टू है या फिर नहीं है। ये चीज समझ में आई? चलो, इसको एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले उस स्ट्रिंग में क्या ऐड कर देना है, आगे स्पेस ऐड कर देना। तो str में आगे हम क्या करेंगे, जैसे str है, str is equal to, उससे आगे एक स्पेस ऐड कर देंगे, ठीक है? स्पेस ऐड कर दिया प्लस str, ठीक है? अब तुम्हारा क्या होना चाहिए, देखो स्पेस आई, उसके बाद वाला क्या होना चाहिए? स्पेस के बाद वाला तुम्हारा हमेशा ए होना चाहिए, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम int len निकालेंगे str dot length, ठीक है? लेंथ निकाल ली, आई को चलेंगे कहां से, जीरो से स्टार्टिंग होगी, लेस देन len तक चलेंगे, फॉर int i इज इक्वल टू जीरो, i इज लेस देन len, i प्लस प्लस, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम i का हर एक करेक्टर निकालेंगे, ठीक है? char ch is equals to str dot char at i। अब जो मेन काम है, मेन काम क्या है, अगर मेरा ch, समझो इसको जैसे ये है, ठीक है? यहाँ पे मैं ना डब्बे बना देती हूँ, फिर एक स्पेस आएगा, फिर आई आएगा, फिर समझ लो, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाते, लिख देते हैं हम ब्लू पेन से ताकि थोड़ा सा याद रहे। यहाँ पे एक स्पेस डाल दी हमने स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे तो एक स्पेस होगी। फिर हमने क्या किया, ए लिखा, ए है हमारा, ठीक है? फिर एम है, फिर एक स्पेस है, फिर आई है, फिर एक स्पेस है, फिर एप्पल है, ठीक है? हमें क्या चेक करना है, वो मैं कर रही हूँ तुम्हारा, तुम लोगों का इस वाले, ठीक है? स्पेस है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आई किसको पॉइंट कर रहा है, अभी जीरो, कोई बात नहीं, ठीक है? स्पेस है, कोई बात नहीं। अब आई किसको पॉइंट करेगा, वन को, ठीक है? क्या हमें इसको चेक करना है ए के लिए? हाँ, मुझे चेक करना है, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, ये आ रहा है मेरा स्पेस के बाद। हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा, जो जो मेरा आएगा स्पेस के बाद कि वो ए है या फिर नहीं है। जैसे ये मेरा स्पेस के बाद आ रहा है, तो मुझे इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्या ये ए है या फिर नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूं, जैसे मेरा आई, जैसे ही मेरा आई इसको पॉइंट करेगा ए को, तो मैं ये चेक करूंगी क्या इससे पहले मेरी स्पेस है क्या। ए को पॉइंट कर रहा है ना यहाँ पे, क्या मैं चेक करूंगी क्या इससे पहले मेरी स्पेस है क्या। अगर ए से पहला मेरा स्पेस है, तो मतलब मुझे इस वाले कैरेक्टर को चेक करना है, मतलब मुझे ए को चेक करना है। मैंने क्या बोला, स्पेस के बाद वाला हमें चेक करना है। तो बस अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हमें क्या, हम क्या चेक करेंगे, क्या इससे पहले मेरी स्पेस है। अगर है तो हाँ, इस वाले लेटर को चेक करो, क्या ये ए है या फिर नहीं है। देखो सी एच आ गया, ठीक है? कैर सी एच इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट आई। आप क्या करेंगे, कैर सी एच टू
is equals to str dot char at ठीक है। अब यहाँ पे अब i माइनस वन से चल रहा है, इसीलिए मेरा i जीरो नहीं होगा, वन होगा। क्यों? क्योंकि अगर i जीरो को पॉइंट करेगा तो माइनस वन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए क्योंकि हम i माइनस वन जब लेते हैं, ठीक है, i माइनस वन मतलब कि हम पीछे वाले को चेक कर रहे हैं, अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो का माइनस वन माइनस बाहर चला जाएगा पॉइंट, तो इसलिए हम i को वन से स्टार्ट करें ताकि माइनस वन की कंडीशन हम जीरो वाला कंडीशन तो ले ही लेंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, सी एच में क्या स्टोर होगा? कैरेट आई। अभी ये मान लो तुम्हारा आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वन से स्टार्ट हो रहा है ना। आई तुम्हारा किससे स्टार्ट हो रहा है? वन से। तो सी एच में क्या स्टोर होगा? कैरेट आई। कैरेट आई मतलब कितना स्टोर होगा मेरा सी एच के अंदर? ए। ठीक है, सी एच टू में कितना स्टोर होगा? कैरेट आई माइनस वन। आई माइनस वन मतलब कि ए से पहले क्या है मेरा? स्पेस। तो सी एच में क्या स्टोर होगा? सी एच टू में क्या स्टोर होगा मेरा? स्पेस। मुझे ये देखना है कि पहला वाला क्या होना चाहिए? मेरा स्पेस होना चाहिए। अगर मेरा इससे पहला वाला स्पेस है तो मुझे सी एच को चेक करना है किसके लिए, कि वो ए है या फिर नहीं है। देखो, इफ सी एच टू इज इक्वल्स टू स्पेस, ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे? हम सी एच को चेक करेंगे इफ स्पेस है एंड, यहाँ पे चेक कर लेते, अंदर इफ नहीं लगाते, एंड सी एच किसके इक्वल है? सी एच इज इक्वल्स टू ए के इक्वल है। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे? काउंटिंग को बढ़ा देंगे। काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। देखो बाहर हमें काउंट को ले लेते हैं जीरो। देखो आई किससे स्टार्ट हो रहा है? मेरा वन से। तो आई सबसे पहले किसको पॉइंट कर रहा होगा? मेरा ए को। ठीक है, आई ये रहा। तो मैंने क्या किया, सी एच में क्या स्टोर करा? एस टी आर डॉट कैरेट आई। कैरेट आई मतलब कि यहाँ पे क्या स्टोर है मेरा? ए स्टोर है। ठीक है, फिर सी एच टू में मैंने क्या चेक किया? मैंने ये चेक किया क्या मेरा इससे पहले स्पेस है। अगर इससे पहले स्पेस है तो ये मेरा वर्ड का स्टार्टिंग है, और वर्ड का स्टार्टिंग मुझे किसके लिए चेक करना है? ए के लिए। मैंने चेक किया क्या सी एच टू? सी एच टू इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट आई माइनस वन। आई कितना है मेरा? वन। आई वन माइनस वन कितना हो गया? जीरो। मतलब कि सी एच टू मेरा किसको पॉइंट कर रहा है? सी एच टू के लिए मैं अलग कलर ले ली थी, दैट इज योर ब्लू। ठीक है, सी एच टू किसको पॉइंट कर रहा होगा? सी एच टू मेरा होगा स्पेस, सी एच टू स्पेस। ठीक है, अगर मेरा पहला वाला स्पेस है, मतलब सी एच टू अगर स्पेस है, तो मुझे सी एच वन को चेक करना है क्या वो ए है। इफ सी एच टू इज इक्वल टू स्पेस, तो चेक करो क्या मेरा सी एच ए है। अगर वो ए है तो काउंट को बढ़ाओ। ठीक है, अब देखो अगला चेक करते हैं। अब आई मेरा कितना हो जाएगा? आई मेरा हो जाएगा टू। मतलब आई किसको पॉइंट कर रहा होगा? मेरा एम को। मतलब सी एच कितना होगा मेरा? सी एच मेरा ए की जगह कितना हो गया? एम। ठीक है, अब सी एच टू क्या होगा मेरा? आई माइनस वन। मतलब एम से पहले क्या है मेरा? एम से पहले है मेरा ए। तो सी एच टू कितना हो गया मेरा? ए। ठीक है, एम को पॉइंट कर रहा, मैं चेक करूं क्या ये मेरा एम क्या स्टार्टिंग है क्या मेरी वर्ड की? अगर स्टार्टिंग होगी तो उससे पहले स्पेस होगा? नहीं, स्पेस तो नहीं है क्योंकि ए है, तो स्टार्टिंग नहीं, इसको चेक ही नहीं करना, तो इस कंडीशन में जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मेरा सी एच किसको पॉइंट करेगा? स्पेस को। स्पेस को पॉइंट कर रहा है तो मतलब सी एच किसको पॉइंट कर रहा है? मेरा स्पेस को। सी एच टू क्या हो जाएगा इस केस में? मेरा एम है ना। तो क्या मेरा सी एच टू स्पेस है? नहीं, कुछ नहीं है, नहीं स्टार्टिंग नहीं है, ये वर्ड की स्टार्टिंग वैसे भी नहीं हो सकती। हाँ, इसके बाद होगी वर्ड की स्टार्टिंग। अब देखो मेरा आई किसको पॉइंट करेगा? आई को, है ना। मतलब सी एच में कितना हो जाएगा मेरा इस केस में? आई। अब सी एच टू में कितना हो जाएगा मेरा इससे पहले वाला, मतलब स्पेस। सी एच टू कितना है मेरा? स्पेस।
क्या मेरा CH2 इक्वल टू स्पेस है? हाँ है। इसका मतलब ये वाला जिसको अभी CH पॉइंट कर रहा है वो क्या है, मेरे एक वर्ड का स्टार्टिंग है। क्या मेरा CH इज इक्वल टू A है? नहीं, CH तो इक्वल टू A नहीं है, तो क्या काउंट बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि एंड से जोड़ा हुआ है मैंने, तो इसका मतलब क्या है कि CH2 स्पेस होनी चाहिए एंड CH मेरा क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है इसलिए मेरा काउंट इंक्रीज नहीं हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। Write a Java program to accept a string in lowercase and change the first letter of every word to uppercase and display the string. Just give me a second. अब हमें क्या करना है, एक जावा प्रोग्राम लेना है जिसमें हम क्या एक्सेप्ट करेंगे, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे। चलो करते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्कैनर अब स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, str को क्या है स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे, तो str इज इक्वल टू str डॉट टू लोअर केस। ठीक है, str इज इक्वल टू str डॉट टू लोअर केस, स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो भी वर्ड की स्टार्टिंग है हमें उसको क्या कन्वर्ट कर देना है, अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि देखो स्पेस के बाद, देखो वर्ड की स्टार्टिंग कब होती है, ये चीज अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए। जैसे ही स्पेस आएगा उसके बाद वाला क्या होगा, वर्ड का स्टार्टिंग होगा। ये ए क्या है, मेरी वर्ड की स्टार्टिंग है, तो जैसे ही स्पेस आया उसके बाद ये स्मॉल ए आया, इसको मुझे किसमें कन्वर्ट कर देना है, कैपिटल ए। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, हम एक नया वर्ड बनाना है ना, तो सबसे पहले जो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग वर्ड, और वर्ड को क्या कर देंगे हम खाली। ठीक है, अब कहां से कहां तक चलेंगे, स्टार्टिंग से लेके, देखो अब मुझे स्पेस वाली चीज फिर दोबारा से चेक करनी है, क्योंकि अगर CH मेरा A को पॉइंट कर रहा है, देखो अगर मेरा CH इस वाले A को पॉइंट कर रहा है, तो मुझे देखना है कि इससे पहले क्या मेरा स्पेस है, अगर इससे पहले मेरा स्पेस है तो उसको मुझे कैपिटल कर देना है। ठीक है, अगर A को पॉइंट कर रहा है जैसे, या फिर C को ले लो, ये वाले C को ले लो। ठीक है, अगर मेरा I इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगी, क्या मेरा आई माइनस वन, क्या मेरा आई से पहले वाला है, क्या वो स्पेस है? अगर वो स्पेस है इसका मतलब कि ये ना वर्ड की स्टार्टिंग है, तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, अपर केस में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अगर ऐसे वाले प्रोग्राम आते हैं स्पेस वाली चीज, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में एक स्पेस ऐड करते हैं, str is equals to str, क्यों, क्योंकि जो पहला वाला w है इसको भी तो हमें कैपिटल करना है ना, तो मैंने क्या बोला, कंडीशन क्या बोली है कि उससे पहले स्पेस आना चाहिए, तो str is equals to str एक स्पेस ले लो पहले, प्लस str स्पेस आ गई। मैं अभी W से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, इससे पहले मैंने क्या कर दिया, एक स्पेस ऐड कर दिया, तो अगर मैं W से स्टार्ट करूंगी, देखना तो मैं चेक करूंगी क्या W से पहले एक स्पेस है, हाँ है, तो मेरा W भी इस वर्ड का स्टार्टिंग है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगी, पहले वाला चेक करूंगी, तो इसीलिए मैं हमेशा आई को कहां से चलाऊंगी, वन से, क्योंकि एक वर्ड मुझे छोड़ना है पहला वाला चेक करने के लिए, है ना। अगर मैं आई को जीरो से चला दूंगी और पहला वाला आई माइनस वन चेक करूंगी, तो आई माइनस वन अगर जीरो के केस में कितना हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए आई को वन से स्टार्ट करूंगी, फॉर इन
I is equals to 0, sorry, 1, I is less than len, I plus plus. ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, char ch is equals to, अब इसको ch current ले लो, चलो तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ch1 is equals to str dot char at i. तो अभी आई किसको पॉइंट कर रहा होगा, अगर इस वाले केस की बात करें तो आई पॉइंट कर रहा होगा मेरा स्मॉल वाले w को, और उससे पहले क्या होगा, एक स्पेस होगा, उसके बाद क्या होगा, e होगा, उसके बाद एक स्पेस होगा. अभी मेरा आई पॉइंट कर रहा होगा स्मॉल वाले w को. अब मुझे चेक करना है क्या इससे पहले आई माइनस वन क्या मेरा स्पेस है, क्योंकि हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, और जीरो पे तो स्पेस है क्योंकि मैंने स्पेस डाला है यहाँ पे. ये देखो, हमें ये चेक करना है क्या मेरा i माइनस वन स्पेस है. अगर i माइनस वन अगर मेरा पहले वाला स्पेस है तो मुझे w को, जो भी ch1 जिसको पॉइंट कर रहा है, ch1 इसको पॉइंट करेगा और ch2 मेरा किसको पॉइंट करेगा, पहले वाले को, ch2 इसको पॉइंट करेगा. अगर ch2 मेरा स्पेस है उस केस में मुझे ch1 को क्या कर देना है, कैपिटल कर देना है. ठीक है, तो char ch1 str dot char at i, ठीक है, char ch2 is equals to str dot char at i minus 1. If ch2 is equals to space, अगर ch2 मेरा space है तो मुझे क्या करना है, मुझे ch1 को, मतलब ch1 क्या है, w, उसको capital कर देना है. तो ch1 is equals to ch1 डॉट टू अपर केस. ठीक है, तो W क्या हो गया मेरा, कैपिटल हो गया. ठीक है, W क्या हो गया मेरा, कैपिटल हो गया. अब मुझे क्या कर दे रहा है, कैपिटल W किसके अंदर ऐड करना है, मुझे वर्ड बनाना है ना, वर्ड बनाना है ना अपना मेन, तो मेरा मेन टारगेट तो ये बनाना है ना, तो वर्ड के अंदर मैं ऐड कर दूंगी. तो वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड प्लस सी एच वन. ठीक है, अभी देखो वर्ड के अंदर कितना ऐड हो गया, सी एच वन, मतलब वर्ड के अंदर कितना चला गया मेरा, W चला गया. अब मेरा I किसको पॉइंट करेगा, I हो जाएगा मेरा 2. I 2 का मतलब I किसको पॉइंट करेगा, E को. ठीक है, अब वो चेक करेगा क्या E से पहले वाला मेरा स्पेस है, तो E कितना हो जाएगा मेरा, सी एच वन. E तो मेरा सी एच वन हो जाएगा, कैरेट I. और W कितना हो जाएगा मेरा, सी एच टू. क्या W सी एच टू मेरा इक्वल टू स्पेस है, नहीं, तो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं. तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा मेरा, सी एच वन क्या है, E. तो W में पहले से ही, वर्ड में पहले से ही W है, W प्लस सी एच वन. सी एच वन क्या है मेरा, E. तो E ऐसा का ऐसा ही वो हो गया. देखो V, हमको E को स्मॉल कैपिटल नहीं करना था, E मुझे ऐसा का ऐसा ही प्रिंट करवाना था. फिर दोबारा से क्या आ गया मेरा, अब I कितना हो जाएगा मेरा, 3. थ्री का मतलब, मैं इसको ग्रीन से दिखा रही हूँ. ठीक है, थ्री का मतलब मेरा आई किसको पॉइंट कर रहा है, अब स्पेस को. ठीक है, अब सी एच वन कितना हो गया मेरा, स्पेस हो गया. ठीक है, और सी एच टू कितना हो गया, सी एच टू मेरा हो गया डब्लू, ई सॉरी ई. सी एच टू कितना हो गया मेरा, ई. क्या अब मैं चेक करूंगी क्या मेरा सी एच वन, सी एच वन मेरा स्पेस है, क्या स्पेस से पहले मेरा स्पेस है, नहीं, ई है, है ना, स्पेस से पहले मेरा ई है. तो क्या हम सी एच टू क्या है मेरा, ई है. क्या अब हम अंदर जाएंगे, नहीं, क्योंकि मेरा नया वर्ड नहीं बना है. ठीक है, तो वर्ड में वर्ड इज इक्वल्स टू वर्ड प्लस सी एच वन. सी एच वन क्या है मेरा, स्पेस. तो वी के बाद वर्ड में क्या ऐड हो जाएगा, एक स्पेस ऐड हो जाएगा. अब आएगा मेरा आर, ए आर ई. अब मेरा सी एच वन किसको पॉइंट कर रहा है, इसको डिनोट कर देते हैं येलो पेन से, ए को. ठीक है, अब मेरा सी एच वन किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, कैरेट आई. अब आई माइनस वन किसको पॉइंट कर रहा है, स्पेस को. क्या मेरा ए से पहले एक स्पेस है, हाँ है. इसका मतलब ये वाला जो ए आया है ना आर का, वो मेरा वर्ड का स्टार्टिंग वाला है. क्यों, क्योंकि वर्ड के स्टार्टिंग से पहले क्या आता है, एक स्पेस आता है. तो सी एच वन क्या है मेरा इस केस में, ए है. और सी एच टू क्या है मेरा इस केस में, स्पेस है. क्या मेरा सी एच टू इक्वल टू स्पेस है, हाँ है. तो मैंने क्या किया, सी एच वन को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया. सी एच वन क्या है मेरा, स्मॉल ए. तो स्मॉल ए कितना हो गया, अपर ए.
और फिर मैंने इसको किसमें ऐड कर दिया, वर्ड के अंदर, तो वर्ड के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, अपर ए, ऐसे करके मेरा पूरा वर्ड बनता चला जाएगा। और हम एंड में वर्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं SOPLN वर्ड। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को अभी तक कुछ डाउट होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यहां तक क्लास देख रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है। कमेंट सेक्शन में डाल दो कि हम लोग पैलिंड्रोम वाले प्रोग्राम तक पहुंच गए हैं, ठीक है। स्पेशल नंबर कर रहे हैं मैम आपके साथ, बिकॉज इसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को स्ट्रिंग में कुछ दिक्कत आएगी, स्ट्रिंग के क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। A special word are those word which start and end with same letter, ठीक है। Example existence, existence किससे start हो रहा है, E से, और end किससे हो रहा है, E से। तो existence क्या है, मेरा special word है। Comic, comic किससे start हो रहा है, C से, end किससे हो रहा है, C से, तो comic क्या है, मेरा special word है। Window किससे स्टार्ट हो रहा है, W से, एंड किससे हो रहा है, W से, तो मेरा विंडो क्या है, एक स्पेशल वर्ड है, ठीक है। पैलिंड्रोम आर दोस वर्ड्स व्हिच रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा। अगर पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे मैडम है, मैडम का अगर मैंने रिवर्स किया तो वो भी क्या होगा, मैडम, ठीक है। या फिर अगर देखो, अगर हम आगे से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एम है, यहाँ पे भी लास्ट में भी क्या है, M है, सेकेंड नंबर क्या है, मेरा A है, और सेकेंड लास्ट क्या है, A है, ठीक है। उसके बाद ये तो D है, ये सेम ही है, मतलब सेम ही होना चाहिए, लास्ट सेम होना चाहिए, फर्स्ट सेम होना चाहिए लास्ट के, सेकेंड सेम होना चाहिए सेकेंड लास्ट के, थर्ड सेम होना चाहिए थर्ड लास्ट के। दिस इज हाउ योर पैलिंड्रोम गोज ऑन। तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, देखो ऑल पैलिंड्रोम्स आर स्पेशल वर्ड, सारे के सारे, देखो ये स्पेशल वर्ड भी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम से होगी पैलिंड्रोम में। बट ऑल स्पेशल वर्ड्स आर नॉट पैलिंड्रोम, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड चेक एंड डिस्प्ले वेदर द वर्ड इज पैलिंड्रोम और ओनली अ स्पेशल वर्ड और नन ऑफ देम, ठीक है। अब हमें चेक करना है पैलिंड्रोम है, स्पेशल वर्ड है, या फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहले किसके लिए चेक करते हैं, चलो पहले ना, सॉरी, पहले चेक करते हैं स्पेशल वर्ड के लिए, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, str is equals to sc dot next line, ठीक है। मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, हम क्या करेंगे, पहले इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि सबके सब कैपिटल में लिखे हो, तो कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। str is equals to str dot to अपर केस, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, यहां तक तो कुछ डाउट नहीं है। अब कैपिटल में कन्वर्ट होके हम क्या करेंगे, हम इस स्पेशल बनाएंगे, बूल, अच्छा इसको मैंने स्ट्रिंग कैरेक्टर डेटा टाइप दे दिया था, स्ट्रिंग str, ठीक है। हम एक बूलियन वेरिएबल बनाएंगे, अगर वो पैलिंड्रोम होगा इस पैलिंड नाम का और इस स्पेशल नाम का, अगर वो स्पेशल नंबर होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बूल is special, ठीक है। स्टार्टिंग में इसके अंदर डाल देते हैं, क्या डाले, ट्रू डाल देते हैं, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो ट्रू है, नहीं है, फिर नहीं, 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 स्टार्टिंग में मान के चलो नहीं है, फॉल्स, ठीक है। ऐसी बूल इस पैलिन मान लेते हैं, किसके लिए, पैलिंड्रोम के लिए, स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो स्टार्टिंग में इसमें भी हमने क्या डाल दिया, फॉल्स डाल, ठीक है। अब चेक करते हैं स्पेशल के लिए, अगर वो स्पेशल निकला तो हम इसको क्या बना देंगे, ट्रू बना देंगे। तो हम इस स्पेशल के लिए हमें कौन कौन से कैरेक्टर चेक करने हैं, हमें चेक करना है इंडेक्स जो जीरोथ वाला है। देखो एग्जिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, अब एक कॉमिक ले लेते हैं, कॉमिक, ठीक है, ये कौन सा वाला इंडेक्स है, जीरो वाला, ये कौन सा वाला इंडेक्स है, LEN-1। देखो अगर लेंथ कितनी है इसकी, कॉमिक की,
COMIC, पांच लेंथ है, जीरो। अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स कितना होगा, 0, 1, 2, 3, और लास्ट वाले का इंडेक्स कितना होगा, 4। तो हमेशा लास्ट वाला कितना होगा, LEN-1, क्योंकि लेंथ कितनी थी, -1। तो हमें चेक करना है जो करेक्टर मेरा जीरोथ लेंथ पर है और जो करेक्टर मेरा LEN-1 वाले इंडेक्स पर है, सॉरी, जो करेक्टर मेरा जीरोथ इंडेक्स पर है और जो करेक्टर मेरा LEN-1 वाले इंडेक्स पर है, दोनों के दोनों करेक्टर मेरे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मैं दो करेक्टर निकालूंगी। पहले मैं इसकी लेंथ फाइंड कर लेती हूँ। Int len is equals to str dot length, ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, char ch1 is equals to str dot char at 0, ठीक है, पहला वाला करेक्टर हो गया। char ch2 is equals to str dot char at कौन सा वाला, LEN-1, length -1। अब जो CH1 है और जो CH2 है, special case के लिए वो क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों same होने चाहिए। CH1 में क्या store हो चुका होगा, मेरा comic का C, पहला वाला। CH2 में क्या store हो चुका होगा, मेरा comic का last वाला C। तो मेरा क्या होना चाहिए, if CH1 is equal to CH2, इस केस में हम क्या कर देंगे, इस कॉमिक इज इक्वल्स टू, इसको क्या बना देंगे, ट्रू बना, सॉरी, इस स्पेशल इज इक्वल्स टू ट्रू बना देंगे। हाँ, वो स्पेशल नंबर है। अगर CH1 मेरा CH2 के इक्वल है, इस केस में हम बोलेंगे हाँ वो स्पेशल नंबर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर हम चेक करते हैं पैलिंड्रोम के लिए। पैलिंड्रोम के लिए हम ले रहे हैं एक वर्ड लेवल, ले लेते हैं, चलो, ठीक है, लेवल है। अब देखो लेवल का क्या करेंगे, अगर मेरा एक पॉइंटर आई है जो पॉइंट कर रहा है स्टार्टिंग से, मतलब किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स को, और एक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, मेरा लास्ट इंडेक्स को, जे। तो जो करेक्टर मेरा आई पॉइंट कर रहा है और जो करेक्टर मेरा जे पॉइंट कर रहा है, मतलब पहला वाला करेक्टर लास्ट वाले करेक्टर के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आई जिसको पॉइंट कर रहा है वो पहला वाला करेक्टर है, जे जिसको पॉइंट कर रहा है वो लास्ट वाला करेक्टर है। पहला वाला करेक्टर मेरा लास्ट वाले करेक्टर के इक्वल होना चाहिए। क्या मेरा करेक्टर एट आई इक्वल है करेक्टर एट जे के, क्या एल इक्वल है एल के, हाँ है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने i को बढ़ा देंगे और अपने j को घटा देंगे। अब हम क्या चेक करेंगे, क्यों i को बढ़ाए, क्योंकि मुझे सेकंड वाला नंबर करना है, और क्यों j को घटाए, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, सेकंड लास्ट वाला नंबर करना है, मतलब मुझे सेकंड वाला नंबर कंपेयर करना है सेकंड लास्ट वाले नंबर से। तो हम अब हमने क्या किया, i को बढ़ाया, तो i अब किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा e को, और j को घटाया, तो j किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा e को। क्या मेरा आई एंड जे इक्वल है, हाँ है, आई एंड जे इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, हम फिर दोबारा से आई को बढ़ाएंगे और अब हम जे को भी बढ़ाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा आई एंड जे पॉइंट कर रहा होगा सेम नंबर को, ठीक है, तो कैरेट आई भी क्या होगा, मेरा वी होगा, कैरेट जे भी क्या होगा, वी होगा। इस केस में भी दोनों के दोनों सेम है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या होगा, तुम्हारा आई कभी भी, अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो आई ये हो जाएगा और जे इस तरफ चला जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा और आई यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, आई क्या होगा, या तो आई तुम्हारा छोटा होगा जे से, या फिर जे के इक्वल होगा, बस हमें तब तक बढ़ाना है। आई कब तक बढ़ाना है, देखो आई ये है, जे ये है, आई जे से छोटा है, हाँ आई को बढ़ाओ जे को घटाओ, आई जे से छोटा है, हाँ है, आई को बढ़ाओ जे को घटाओ, आई जे से छोटा है, हाँ है, आई को बढ़ाओ जे को घटाओ, आई जे के इक्वल है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, कंपेयर कर लो कि दोनों दोनों सेम कोई पॉइंट करोगे तो सेम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आई आगे चला जाएगा और जे पीछे चला जाएगा, नहीं,
कब तक ये चीज हमको रिपीट करनी है, जब तक मेरा आई क्या है, छोटा है या फिर इक्वल है जे से। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं वाइल लूप। हम कहेंगे वाइल, एक आई बना देते हैं सबसे पहले। आई सबसे पहले किसको पॉइंट करेगा, जीरो को, और जे किसको पॉइंट करेगा, लास्ट वाले इंडेक्स को। लास्ट वाले इंडेक्स को मतलब len माइनस वन, लेंथ माइनस वन होगा हमेशा लास्ट वाले इंडेक्स। अब हम वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल हमेशा तुम्हारा आई क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए जे के। और हम बार बार क्या चेक करेंगे, इफ, ठीक है, अब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कोड में, अभी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले कैरेट कैर निकाल देते, कैर सी एच आई लिख रही हूँ क्योंकि ये आई वाले कोड को करेक्टर को निकालेगा। आई पे क्या है मेरा, एल है, तो सी एच एट आई मतलब एल को वो करेगा। सी एच एट आई इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैर एट आई, कैर एट आई मतलब की एल की बात हो रही है, तो सी एच आई में कितना स्टोर हो जाएगा, एल। अब मुझे कैर एट जे निकालना है, जे मतलब कि जिसको जे पॉइंट कर रहा है, जे किसको पॉइंट कर रहा है, एल को, तो उसको भी निकालना है। तो इसको हम निकाल देते हैं, कैर सी एच टू, सी एच जे सॉरी, इज इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैर एट जे, जे वाला। अब हमको क्या करना, अगर पैलिंड्रोम का हमारी कंडीशन क्या है, अगर वो इक्वल है तो बढ़ते जाओ, अगर इक्वल नहीं है मतलब आई अगर बाय चांस समझो यहाँ पे ऐसा हो जाए, ई की जगह यहाँ पे ए आ जाए, तो आई किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, और जे किसको पॉइंट कर रहा है, ई को, क्या ये पैलिंड्रोम होगा, नहीं। अगर मेरा आई जिसको पॉइंट कर रहा है वो वाला करेक्टर और जिसको जे पॉइंट कर रहा है वो वाला करेक्टर सेम नहीं है तो मेरा पैलिंड्रोम नहीं है। अगर सेम है तो मुझे ये नहीं कहना पैलिंड्रोम है, तो मुझे क्या करना है, आई को बढ़ा देना और जे को घटा देना है, ठीक है। मैं कह रही हूं इफ सी एच आई इज इक्वल्स टू सी एच जे, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे करना है आई को बढ़ा देना है और जे को क्या कर देना है, एक कदम घटा देना है, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, अगर सी एच आई एंड सी एच जे इक्वल नहीं है उस केस में मेरा पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, तो हम कह देंगे पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। उस केस में हम कह देंगे एल्स, एल्स का मतलब सी एच आई ए है और सी एच जे क्या है मेरा ई है, उस केस में हम कह देंगे इस पैलिन इज इक्वल्स टू फॉल्स, इस पैलिन को हम फॉल्स कर देंगे, मतलब पैलिंड्रोम नहीं हो सकता। जब हम इस पैलिन को यहाँ पे फॉल्स कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमको क्या मान के चलना चाहिए, स्टार्टिंग में हम ये मान के चलेंगे कि इस पैलिन ट्रू है। अभी देखो, हम स्टार्टिंग में ये मान के चलेंगे कि हमारा पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम है मान के चल रहे हैं, आई ये रहा जे ये रहा, सेम है कोई बात नहीं, अभी भी पैलिंड्रोम है, आगे बढ़े सेम है कोई दिक्कत नहीं, पैलिंड्रोम है, ट्रू है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें मान के चले पैलिंड्रोम है, सेम नहीं है फॉल्स कर दो, पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो हमने इस स्पेशल को फॉल्स क्यों बनाया था, क्योंकि हम बाद में उसको ट्रू बना रहे थे कंडीशन के हिसाब से, अगर दोनों दोनों चीजें इक्वल हैं तो इस स्पेशल होगा, तो मेरा ट्रू बना लिया और स्टार्टिंग में मान के चले नहीं, इस पैलिंड्रोम को हम स्टार्टिंग में मान के चल रहे हैं कि हाँ वो पैलिंड्रोम है, लेकिन अगर वो एक भी बार, देखो अगर एक बार वो इक्वल आता है एल और एल, देखो आई किसको पॉइंट कर रहा है मेरा, ये मत बोलना कि अगर वो एक भी बार इक्वल आ जाता है तो रिटर्न कर दो इस पैलिंड्रोम ट्रू, नहीं, क्योंकि देखो आई किसको पॉइंट कर रहा है मेरा एल को और जे किसको पॉइंट कर रहा है मेरा एल को, कि ये दोनों के दोनों इक्वल है, क्या इस केस में मैं पैलिंड्रोम को बोल दूंगी कि हाँ ये इक्वल है, नहीं, मैं क्या करूंगी आई को बढ़ाऊंगी और जे को घटाऊंगी, तब मैं चेक करूंगी इक्वल है क्या, नहीं, बढ़ाऊंगी घटाऊंगी, इक्वल नहीं है। अगर वो एक भी बार इक्वल नहीं आता तो हम क्या कर देंगे, इस पैलिंड्रोम को फॉल्स कर देंगे, वरना मैंने स्टार्टिंग से इस पैलिंड्रोम को ट्रू कर रखा है, ठीक है। तो इस पैलिंड्रोम को हम कर देंगे फॉल्स और बाहर आ जाते हैं इसके भी वाइल लूप के, ठीक है। अब हमें चेक करना है इफ इस पैलिन इज इक्वल्स टू ट्रू,
अगर मेरा इस पैलन क्या है, मेरा ट्रू है एंड ठीक है इज स्पेशल, अगर मेरा इज स्पेशल भी ट्रू है तो उस केस में क्या हुआ, मेरा उस केस में मेरा ये स्पेशल प्रोग्राम भी हुआ, पैलिंड्रोम प्रोग्राम भी हुआ। तो उस केस में हम क्या कर देंगे, एसओपी ln स्पेशल क्या कर देंगे, इट इज पैलिंड्रोम एंड स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल स्ट्रिंग सॉरी। ठीक है, अगर मेरा देखो पैलिंड्रोम को तो होगा तब तो स्पेशल हो ही जाएगा, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है उस केस में हम चेक करेंगे क्या वो स्पेशल है, क्योंकि स्पेशल होने के फिर भी चांसेस, देखो लेवल यहाँ पे पैलिंड्रोम नहीं है लेकिन लेवल क्या है मेरा, स्पेशल है। क्यों, क्योंकि एल और एल पहला और लास्ट वाला सेम है। तो हम चेक करेंगे इसके बाद else if is special is equals to true, अगर मेरा is special true है तो उस केस में मैं क्या करूंगी, SOPLN it is special string। ठीक है, else में क्या हो जाएगा, else में लिख देंगे ना तो वो special है ना ही वो palindrome है, else में आ जाएगा SOPLN it is neither special nor palindrome। बस यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हर एक लेवल के हमने स्ट्रिंग के प्रोग्राम कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आयो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट्स दे देना, अपने डाउट्स पूछना कमेंट में, जितने भी डाउट्स हैं अगली क्लास में मैं तुम्हारे डाउट्स सॉल्व कर दूंगी। आई एम श्योर जो बच्चा नीचे डाउट पूछेगा अगली जो वीडियो बनेगी उसमें मैं आप सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।